भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना विधानसभा में बाढ़ प्रभावित और अतिवृष्टि वालों क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष सहित गुना विधायक और भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने नगर के वार्ड 25 रसीद कॉलोनी में बाढ़ पीड़ितों से उनके घर जाकर उनका हाल जाना, साथ ही जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जंपी खान की रिपोर्ट। अब समझदार को इशारा काफी है। पत्रकारिता में आपका वजन बढ़ रहा है तो मुझे बड़ी खुशी होगी, पर शारीरिक रूप से आपका अगर वजन बढ़ रहा है तो मुझे बड़ी चिंता है। महाराज आप स्वस्थ रहते हैं तो हम लोगों को वजन अपने आप बढ़ता है। महाराज आज उसके लिए भी प्रबंधन स्वास्थ्य के कैंप्स जिला प्रशासन के द्वारा होने चाहिए, दोनों शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में। और आखिरी भाग, भाग नंबर 4, कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। जिन गांवों में बारंबार ये स्थिति उत्पन्न हो रही है हर वर्ष कि पार्वती नदी में उफान आ जाता है, वो गांव कट जाता है, वैसे गांव में जाके चौपाल किया जाए प्रशासन के द्वारा। और अगर वो गांव के लोग तैयार हैं कि अपने आप को विस्थापित करने के लिए कहीं और, तो एक प्रस्ताव राजस्व मंत्रालय को भेजा जाए जिसके आधार पर उस पूरे गांव को हम लोग विस्थापित कर पाए, अगर गांव वाले तैयार हों। इतना नुकसान मनुष्य का एवं पशु का पिछले वर्ष हुआ था। पिछले वर्ष भार पड़ा मेरे क्षेत्र की जनता पर दोनों तरफ से। एक तरफ अतिवृष्टि हुई थी और दूसरे तरफ बांध से पानी छूटने पर नदियों में उफान भी आ चुका था। इस वर्ष ज्यादा करके नदियों में उफान आने से कई गांवों में और शहरी क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। रास्ते में एरियल सर्वे भी मैंने किया है बमोरी का, ग्वालियर से आते हुए, और गुना विधानसभा का, और गुना शहर में आकर जो हम लोगों की रशीद कॉलोनी है, आसपास की कॉलोनी है, वहीं जाके सर्वेक्षण भी मैंने किया है। गरीबों का बहुत नुकसान हुआ है, घरें पूर्ण रूप से टूट चुकी हैं, बह चुकी हैं, और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण एक तरीके से है नालों की संकीर्णता। प्रशासन के साथ बैठकर अभी हम सब ने साथ मिलकर, सांसद महोदय, जल संसाधन मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी, ग्रामीण विकास मंत्री जी, हमारे जिलाध्यक्ष गोपीलाल जी, हमारे